ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಮೀಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 5 ಹೋಟ್ಲ್ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ವಾಜೀದ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ತಿಂದು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಹ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಟ್ಲು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಊಟ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಹಲೆ ತೊ ಮೈ ಹಮಾರೆ ದೋಸ್ತ್ ಜಮೀಲ್ ಭಾಯ್ ಕೋ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿ ಏಕ ನಾಮದಾರ್ ಹೋಟಲ್ ನಾಮ್ ದೇಖ್ जो दूसरी चार जगह है प्लाजा टाउन में है हमारे एरिया में आई है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ देख को यहाँ पर लेकर आए और आज हमारे एमएलए साहब बैठती सुरेश साहब उसका इनाग्रेशन भी किए हमारे सलीम अहमद साहब भी आए थे मैं उनको वापस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनकी होटल अच्छी से अच्छी चले और इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आए और अच्छे दामों में सस्ते दामों में अच्छा खाना लोगों को दे देख का तो टेस्ट पहले से भी फेमस है हम तो पहले देख के फैंस हैं हम वहाँ फ्रेजर्ट हाउस में खाते थे तो अभी हमारे एरिया में आए तो हम यहाँ पे खाएंगे बहुत बढ़िया टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट है देख इसका अपना ही खुद का नाम है ब्रांड है बहुत बढ़िया टेस्ट रियासत कर्नाटका में सबसे बड़ा मौजू हिजाब को लेकर है आप इस नज़रिए को कैसा देखते हैं सर अभी देखिए हिजाब का इशू जो आरएसएस वालों ने इसको उछाला है आप जानते हैं कि हर जगह जो चीज़ नहीं थी उसको लाई गई है जिस तरह आरएसएस लोगों ने सैफ्रनस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत गलत है हिजाब हमारा हक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये आज से नहीं है ज़माने से हमने हिजाब पहना हमारे माँ बहन हिजाब पहनते आए हैं और इंशाल्लाह पहनते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिजाब रहेगा ये मेरा वादा है अल्लाह से हमारा क्या उम्मीद है सर हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है अभी देखिए लॉ के ऊपर हमारा बहुत ही यकीन है इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से मैं समझता हूँ जो स्टेटस को मेंटेन करेंगे पहले जिस तरह से हिजाब पहना करते थे या उनकी रिलीजियस का जो भी हो जैसे कि बिंदी लगाया घूंघट लगाया या टर्बन लगाया जो भी चल कर आ रहा है उस हिसाब से वो होगा ये हमको यकीन है इंशाल्लाह पीर के दिन अच्छा वर्डिक्ट हमारे फेवर में आएगा हिजाब के फेवर में आएगा मैं कहना चाहता हूँ ठीक है एक होटल हमारा दोस्त है यहाँ क्या भी नहीं है नहीं कई बार इलेक्शन में बहुत भागा डी कर रहे थे हमारे अच्छे दोस्त थे अच्छा बिजनेस से हमने भी यकीय थी हमारे दोस्त की होटल आंधे को बहुत अच्छा मेंटेन कर रही और उन्होंने क्या भी हब्बाल में नहीं है नहीं हब्बाल में मेरे ख्याल से 10 साल से पहले इलेक्शन के वास्ते बहुत भागा नडी करे और यहाँ के अन्य बहुत जने मालूम है अल्लाह ना अल्लाह उनको तरक्की दें दे अब अच्छे होटल ही 1 से 4-6 होटल बनी अब एक दो बनाने को हमारे दोस्त को दुआ में याद रखता सर रियासत कर्नाटका में सबसे बड़ा मौजू हिजाब को लेकर है जे डी एस पार्टी की जानिब से आप एक जिम्मेदार होकर क्या कहना चाहते हैं मैं हिजाब के बारे में अभी क्या कहता हूँ हमारा पार्टी कुमारणा भी अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात किए हैं आज हालात क्या है एक बीजेपी है खाली इलेक्शन के वास्ते जो 5 स्टेट में इलेक्शन जो चल रहा है उसके वास्ते एक स्टेंट क्रिएट कर रही उससे उतना तवज्जा देखो हमारे आदमी हमारे मुसलमान भाई भी उतना उसके वास्ते तवज्जा नहीं देना खैर आज हालात उसी हो गई है हमें भी उसके साथ समझौते से काम करना जी आज ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि देख रेस्टोरेंट आरटी नगर में वालों को भी लिए भी खोला गया है मोहल्ले के अतबार से हर मोहल्ले में ये 6वां आउटलेट है देख वालों का हम तो अक्सर फ्रेजर टाउन के आउटलेट में जाते थे इत्तेफाकन आज यहाँ आने का मौका हुआ तो यहाँ देख रेस्टोरेंट की ओपनिंग देखकर बड़ी खुशी हुई यहाँ के जायक़े तो हमेशा की तरह बहुत आलीशान लजीज रहते हैं और दाम बहुत मुनासिब भी रहते हैं हमें खाने के लिए जहाँ अफ़गानी अरबी खाने खाने वालों के शौकीन हैं उनको देख रेस्टोरेंट में उनके मज़े का और उनके मुताबिक का
खाना मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह देख के ताल्लुक से एक बात ये कहूँगा कि ये हाइजीन में सबसे फर्स्ट है और क्वांटिटी देने में इनका दिल बहुत बड़ा है। इन दो बातों की वजह से ग्राहक देख की तरफ चले आते हैं और यहाँ अक्सर मैं ग्राहकों का दरिया देखता हूँ। दूसरे होटल्स रेस्टोरेंट्स पर और देख रेस्टोरेंट में बिरयानी का टेस्ट का फ़र्क क्या है? देख की जो बिरयानी है वो अक्सर जब भी खाते हैं तब मुझे मेरे वलीमे की याद आ जाती है। जैसा मैंने चावल भी चुन के लाए थे, गोश्त भी चुन के लाए थे और हर चीज़ जो है उसमें क्योंकि वो मेरे एक पर्सनल एक दावत थी जिसमें मैं हर चीज़ को देखभाल कर लाता था। देख में ऐसा बिरयानी के लिए हर चीज़ को देखभाल कर लाया जा रहा है। ये देखकर इसका जायका और इसकी क्वांटिटी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, जिससे हम बहुत मुतमईन भी हैं और बहुत खुश भी हैं। और देख वालों को आज के इस ओपनिंग में मैं मुबारकबाद भी देता हूँ देख के मालिकान को, शुक्रिया। सब लास्ट में अवाम को अपील करिए, आप सब लोग इधर आकर। हाँ, मैं यहाँ मुकामी हमारे बहुत सारे ग्रुपस्टर्स, हमारे नौजवान अहबाब जो अच्छे खाने के लजीज खाने के शौकीन हैं और अक्सर व बेशतर होटलों में खाने जो खाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ आर टी नगर में चूँकि आपके लिए एक आउटलेट खुली है, इसमें आप ज़रूर व ज़रूर आएँ और यहाँ का ये जायका भरा खाना और सेहतमंद भरा खाना खाकर आप मुस्तफीज हों, शुक्रिया। वालेकुम। इसके ऑफर के बारे में क्या बताएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह इसका इनका एक होटल फ्रेजाटोन में है, एक एच आर बी आर में है और एक आके तुम्हारे एच बी आर में है, ये कहना इधर हयात होटल अल हयात बोल के है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत टेस्टी है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए यहाँ पे। अब ऐसे भी यहाँ फंक्शन डिनर पे दो तीन फैमिली आए कि बोले हम लोग ने सुना कि आपकी होटल इधर खुली है बोल के, हम फ्रेजाटोन में आके खाते थे, अभी हमारे को नियर पड़ गया ये खाने के लिए तो हम लोग यहाँ खाने आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना आपका बहुत अच्छा है बोल के बहुत तारीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत लजीज खाना मिलेगा आपको यहाँ पे। देख में क्या स्पेशल आइटम्स हैं सर? यहाँ का ग्रिल बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे शोले कबाब बोल के बनता है, शोले कबाब बहुत अच्छा है और उसके बाद है ना पहाड़ी कबाब है, तो यहाँ पे डिफरेंट है सर, दूसरे होटलों से हटके है यहाँ पे और रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी खाना है पूरा। हाइजीन के बारे में, हाइजीन मेंटेन करते हैं? इट्स वेरी वेरी हाइजीन मेंटेन करते हैं सर ये। आप कभी इंशाल्लाह मौका पड़े तो इनके किचन में जाके देखना, तो हर चीज़ है ना हाइजीन होता है। सो है ना पूरा वैक्सीनेट करके जो भी है यहाँ पे स्टाफ सब वैक्सीनेट सर्टिफिकेट के साथ ये लोग हैं यहाँ पे।